नमस्कार, आदाब। मैं अशरफ खान, सारंगी वादक, सारंगी वादन के हस्ताक्षर पुरुष मरहूम उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब, मेरे वालिद गुरु। आज उनकी ये तीसरी बरसी है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैं खुश नसीब हूँ जो मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ जिन्होंने अपने परिवार को समेटते हुए, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए और सारंगी को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है। उनका नाम हमारे परिवार के लिए एक आधार कार्ड का काम करता है। उनके नाम से हमको जो इज्जत मिलती है, जो जीवन जीने की सरलता मिलती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उन सभी बड़े कलाकारों का, पंडित जी, उस्तादों का, खां साहबों का और उनके शागिर्दों का, उनके परिवार वालों का, जो इस वीडियो में जुड़े हैं, अपना कीमती टाइम उन्होंने निकाला है और हमें जो प्यार दिया है, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक बार सबको धन्यवाद करता हूँ। और मेरा बेटा एजाज खान जो सितार वादक है, उसने अपने दादाजी के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। आप सब उसके लिए दुआएं करें, वो कामयाब हो। और आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। आज उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब की पुण्यतिथि है, तो मैं लाभ कुछ लफ्ज मैं भी दो चार उनके लिए कह दूँ। बहुत अच्छे सारे वादक थे हिंदुस्तान की, और मेरे वालिद साहब उस्ताद निसार उस्तान खां साहब साथ में कई जगहों पर बजाए, बहुत अच्छी बजाए, बहुत बड़े सुरीले। मेरी यही दुआ है अल्लाह से उनको जन्नत में आला आलम मकाम दे, और उनके परिवारों खानदान के सब अच्छे रहें, सुखी रहें, उनके औलाद पोती पोता सब अच्छे रहें और उनको जन्नत में आला आलम मकाम दे। अल्लाह ताला का फरमाए। जितना बोलूँ उनके लिए बहुत कम है, उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी बहुत कम। खां साहब मोइनुद्दीन खां साहब हमारे बुजुर्ग थे और हमारे बड़ों से उनके बहुत अच्छे मरासिम थे। उस्ताद चरण खां साहब, नसीर खां साहब, जहूर अहमद खां साहब, हिलाल अहमद खां साहब और उन जो हमारे गवैये थे बुजुर्ग लोग, नसीर खां साहब वगैरह, उनके साथ उन्होंने संगत की है। बहुत बड़े उस्ताद कलाकार थे, बड़े उस्ताद थे। एक मकाम पैदा किया था, बहुत लोगों को सिखाया। मुझे भी ये फख्र हासिल है कि उन्होंने मुझे गवाया अपनी सरंगी पर। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला ऊँचे से ऊँचा मकाम अता फरमाए। वो लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए, पैदा किया फलक ने जिन्हें खाक छान कर। उनके पुण्यतिथि के मौके पर जो 12 सितंबर को है, मैं अपनी खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। इकबाल अहमद खां, दिल्ली घराना। आदाब, मेरा नाम शुजात खान है, सितार बजाता हूँ। आज सुना है मोइनुद्दीन खां साहब की पुण्यतिथि है और आप सब लोग मिलकर उनको याद कर रहे हैं। बड़ी खुशी की चीज़ है कि ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट को सब लोग मिलकर याद करते हैं। उन्होंने क्या क्या किया है, उनका गाना बजाना, किन किन को सिखाया है, उनके म्यूज़िक को याद करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शख्सियत को याद करते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी
दैट हमारे यंग लोग इस ये चीज़ बड़े आर्टिस्टों के लिए, ऐसे बड़े आर्टिस्टों के लिए करें और उनको याद करें. मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई एंड मैनी मैनी बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू. आदाब. नमस्कार, मैं मंजू मेहता, उस्ताद मोहिनुद्दीन खान साहब सारंगी के एक उच्च कोटि के कलाकार थे. उनकी खूबी ये थी कि वो संगत के साथ साथ अपना स्वतंत्र वादन पर बहुत ही उत्तम कक्षा का करते थे. और एक बहुत अच्छे कलाकार के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे. कोई घमंड का नाम नहीं, सबसे प्रेम करने वाले इस तरह के वो कलाकार थे. और उन्होंने अपने पूरे परिवार को संगीत की इतनी अच्छी शिक्षा देके गए. मैं उनको शत शत कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ. उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब हमारे देश के बहुत मशहूर सारंगी नवाज थे और बड़े गुणी आर्टिस्ट थे. क्लासिकल संगीत हो या लाइट म्यूजिक हो, हर किस्म के संगीत में उन्होंने अपनी सारंगी को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया. बड़ा अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है. मैं अल्लाह से उनके लिए दुआएं मगफरत करता हूं और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके पोते एजाज खान जो के सितार बजाते हैं वो इनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. मेरी तरफ से एजाज खान को बहुत बहुत मुबारकबाद. आदाब, मैं मिजाजुद्दीन तबला नवाज उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब मेरे वालिद, मैं उनका लड़का हूँ. आज कुछ सालों से वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी सारंगी की सदाएं, उनका प्यार, उनकी दुआएं हमारे साथ ही रहती हैं. ऐसा लगता है वो गए नहीं, हमारे साथ ही रहते हैं. और मुझे बेहद अफसोस और बेहद दुख है. मैं सोचा करता था ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं कोई कमी है मुझ में, मगर समझ नहीं पाता था. उनके जाने के बाद समझ में आई कि कमी ये थी कि काश के वो मुझे सारंगी सिखा के गए. तो मुझे भी ऐसा लगता कि मैं संपूर्ण हूँ, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है. उनके सुर, उनकी सारंगी की सदाएँ हमारे साथ हैं, तो ऐसा लगता है. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें जन्नत और फिरदौस की तमाम इनामतों से मालामाल करें. और अल्लाह जैसा मालिक अल्लाह ने मुझे अता किया, अल्लाह हर इंसान को मालिक अता करें. और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके हक में दुआ करें. सभी को नमस्कार. आगावर, मैं मोइनुद्दीन खान सारंगी नवाज इंदौर आकाशवाणी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सारंगी नवाज उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब का 12 सितंबर 2020 को पुण्यतिथि है. उसके लिए मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ. खान साहब वरिष्ठ सारंगी वादकों में से थे और प्रख्यात शास्त्रीय गायक, प्रख्यात शास्त्रीय गायकों के साथ संगत करी है. और खान साहब देश विदेश में बड़े बड़े समारोह में सोलो सारंगी वादन किया एवं उनके साथ संगत करी. खुदा से मैं दुआ करता हूँ खान साहब के लिए आपको जन्नत अता फरमाए. शुक्रिया. आदाब, नमस्कार. आज हम बात कर रहे हैं मरहूम उस्ताद
मैनुद्दीन खान साहब सरंगी नवाज बहुत ही बड़े फनकार थे और अपनी म्यूज़िकल जर्नी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के सभी बड़े फनकारों के साथ बजाया है। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका में उस्ताद कादर भाई जो कि कलाउन सेंटर के डायरेक्टर हैं वो और मैं और मैनुद्दीन खान साहब बहुत साथ में गाना बजाना किया। ये मेरी खुशकिस्मती दुआ करता हूँ और ये शेर उनकी नज़र अर्ज करता हूँ। हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। साहब नमस्कार, मैं लियाकत अली खान मुंबई से। मैनुद्दीन खान साहब इंदौर वाले बहुत दुनिया आदमी थे, स्टार लोग थे और उनकी आज बरसी है। मैं सर सलामी दे रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान के मायनास सरंगिया थे और उनके बारे में मैं उनके छोटे भाई जैसा हूँ। मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है मेरे लिए। आदाब नमस्कार, हम बात कर रहे हैं मरहूम उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब जो हिंदुस्तान के मायनाज सारंगी नवाज थे, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी यात्रा में अपने कार्यक्रमों के साथ साथ सोलो कार्यक्रमों के हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियों के साथ संगत किए, जैसे कि मरहूम आमिर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, उस्ताद अफजल हुसैन नगीने वाले, उनके अलावा भी लाइट म्यूजिक में भी गज़लों के मायनात फनकारों के साथ उन्होंने अपनी संगत का एक नमूना पेश किया। उस्ताद के लिए हम यही शेर कहना चाहेंगे। ये नर्म नर्म हवा झिलमिला रहे हैं चरा, तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं दमाग, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चरा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ भी संगत की हो। नमस्कार आदाब, मैं डॉक्टर शोमा घोष, उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब जो एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे सेनिया घराने के और इंदौर आकाशवाणी में वो कार्यरत थे, वो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे। उन्होंने कई मूर्धन्य कलाकारों के साथ संगत किया था, लेकिन वो एक स्वतंत्र वादक भी थे। उन्हें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, बेगम अख्तर साहिबा ऐसे कलाकारों से के साथ उन्होंने बेहतरीन संगत भी किया था। उनकी परंपरा को निभा रहे हैं उनका पुत्र एजाज खान जो एक प्रसिद्ध सितार वादक है। 3 साल पहले 12 सितंबर को उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मैं हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब के। खान साहब बहुत ही सुरीले सारंगी वादक थे और उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ में भी संगत की है और काफ़ी सोलो भी प्रोग्राम बजाए हैं उन्होंने। और खान साहब इंदौर रेडियो पे भी मुलाजिम थे, बड़े अच्छे नेचर के थे और अच्छी सारंगी उनके इतनी सुरीली सारंगी वो बजाते थे। मुझे भी कई बार उनको सुनने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि खान साहब के सामने बैठ के हमने खान साहब को सुना और बड़ा अच्छा लगा। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। आदाब, मैं मुराद अली ख़ान। मुझे बेहद खुशी है कि आज उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब के बारे में मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है। मैं खान साहब की सारंगी बचपन से सुनता आया हूँ।
एक बेहतरीन और आला तरीन सरंगी नवाज़ों में से एक रहे हमेशा, और एक अलग बाबत उनकी सरंगी में हमेशा नज़र आई है। और हम तो बहुत बच्चे हैं कि उनके बारे में कुछ बोल सकें, लेकिन मेरी खास साहब से पहली मुलाकात 1992 में इंदौर में ही हुई, जिस वक्त मुझे ऑल इंडिया रेडियो से फर्स्ट प्राइज़ मिला और उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन इंदौर में हुआ। खास साहब से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत दुआएं दी, बहुत प्यार दिया। उसके बाद भी 3-4 बार मेरी खास साहब से मुलाकात हुई और हमेशा उन्होंने उसी प्यार से मुझे सराहा और दुआएं दी। मैं आज उनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो खास साहब के नाम से वो प्रोग्राम करते आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ उसको हमेशा कामयाब करें। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से कि उनके शागिर्द, उनके बेटे, उनके पोते इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, उनकी याद को ज़िंदा रखे हुए हैं। और मेरी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएँ तमाम कलाकारों को। मेरे लायक कभी भी कोई भी खिदमत रहे कि मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी तारीफ में मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जिस तरह से लाखों करोड़ों सितारों में ध्रुव तारा अपनी एक अलग पहचान बनाए रखता है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा चमकता है। इसी तरह से उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, तो लाखों करोड़ों कलाकारों के बीच में उनका अपना एक अलग अंदाज और एक अलग स्वरूप था। वो एक बहुत बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे नेक इंसान भी थे। मेरा काफी वास्ता रहा उनसे, काफी साथ हमारा रहा, हालांकि उम्र में वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े थे, करीब कहिएगा 30 या 35 साल मुझसे बड़े थे, लेकिन हमेशा मुझे शौकत खान साहब ही कहते थे या शौकत भाई कहते थे। तो ये उनका बड़ापन था। मेरा सबसे पहला इत्तेफाक उनके साथ में रहने का 1995 में, हम लोग USA टूर पे साथ में रहे और 2 या 2.5 महीने तक हम लोग साथ में रहे, वो मेरा पहला इत्तेफाक था। शुरू में मुझे लगा कि ये एक बुजुर्ग कलाकार हैं, तो मैं थोड़ा सा बातचीत करने में संकोच करता था, लेकिन वो इंसान की उम्र भले ही कितनी थी लेकिन इतने जिंदा दिल थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार शौकत खान साहब, हम लोग अभी तो यहाँ अमेरिका में काफ़ी दिन रहने वाले हैं, तो दोस्त बन के रहेंगे भाई। और ये हकीकत है कि वो 95 से लेके और 2017 तक दोस्त बन के ही रहे। तो बस यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 12 सितंबर, आज से 3 साल पहले, आज ही के दिन हम सब कलाकारों के लिए, खास करके सारंगी नवाज के लिए एक बहुत ही दुख का दिन था, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने एक ऐसे सारंगी नवाज को अलविदा कहा कि जो अपने आप में एक अलग दुनिया थी, एक अलग रूह थी। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, जो कि सैनिया घराने के सारंगी नवाज थे और इंदौर में ऑल इंडिया रेडियो में आप टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं उनसे एक बार मिला हूँ और उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मुझे मिला। तो आज के दिन बस मैं उनके लिए खुदा से एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत में आला साला मुकाम अता फरमाए।
और उनके परिवार वालों को, उनके शागिर्दों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को सब्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार। आज उस्ताद मोहिनुद्दीन खान साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपनी समस्त शिष्य मंडली की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस्ताद मोहिनुद्दीन खान साहब से मेरे पारिवारिक संबंध थे। मेरे लिए अग्रज तुल्य और गुरु तुल्य थे। मेरे प्रति उनका अत्यंत स्नेह भाव था। उनके जाने से भारतीय संगीत को जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसे भर पाना असंभव सा है। मैं पुनः उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बंदूक हूँ शहर इंदौर से। ये खुशनसीबी है उस्ताद मोहिनुद्दीन खान साहब के लिए मुझे बोलना, और मेरा बोलना तो छोटा मुंह बड़ी बात है उनके लिए जो भी मैं कहूँ। अरे दुनिया जानती है, आप सभी जानते हैं कि वो देश के सुरख्यात सारंगी वादकों में से एक थे, और उन्होंने अपने संगीत में जीवन में पहले सबके पहली पंक्ति के लीजेंड लोगों के साथ बहुत बजाया, और सोलो वादन भी उनका बहुत हुआ। अपनी शैली के वो एकमात्र से साधक और वादक थे जिन्होंने अपने दम पर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, और ऐसे दौर में वो इंदौर में आए थे जहाँ सारंगी और तबले का बहुत चलन था। उस्ताद अमीर खान साहब पद्मभूषण हमारे नाम में, वो बाद में गाना उन्होंने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पहले जब वो आए थे मोहिनुद्दीन खान चाचा, उस वक्त सारंगी और तबले का ही यहाँ बोलबाला था, और बड़े बड़े फनकार यहाँ हुए हैं। उनके बीच में आकर उनका प्यार पाया और अपनी जगह बनाई, और बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। हम उन खुश नसीबों में से हैं। लाइट म्यूज़िक में उनका अपना एक स्थान था। लाइट म्यूज़िक सेमी क्लासिकल वाले, अगर उनका वादन उनको मिल जाता था संगति के लिए, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए एक वरदान था। मेरी खुश नसीबी है कि मैं भी उनके सामने थोड़ा बहुत गा बजा सका, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक मुकम्मल इंसान, एक कामयाब इंसान, एक माटी से प्यार करने वाला, सोल से जुड़ा हुआ कलाकार, जिसने अपनी मातृभूमि से भी प्यार किया, अपनी जन्म देने वाली माता से भी उतना ही प्यार किया, अपनी बीवी से, पत्नी से, परिवार से हमेशा जुड़े रहे, और बड़े प्यार से सबको पाल पोस कर बड़ी सादगी और आसानी के साथ इस दुनिया से चले गए, ये उनकी कमी और उनका हमारा जो नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। अल्लाह उन्हें नन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। आदाब दोस्तों, मैं रबानी मुस्तफ़ा ख़ान। अभी हमारे भाई एजाज भाई ने बताया कि उस्ताद मोहिनुद्दीन खान साहब की 12 तारीख को पुण्यतिथि है। उस्ताद मोहिनुद्दीन खान साहब हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े सारंगी वादक थे। उन्होंने हमारे वालिद उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब को भी बहुत सारे शोज़ में और कॉन्सर्ट्स में एकम्पनी किया। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार पाठक, गया घराना, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद गायक,
आज उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब जो बहुत ही वरिष्ठ सारंगी वादक ए टॉप ग्रेट थे, आज हम पूरे संगीत परिवार 12 सितंबर को उनके श्रद्धांजलि हृदय से अर्पण करता हूं और हम सब सारे संगीत परिवार चाहे देश हो या विदेश हो उनका आशीर्वाद हम सब पर मिलता रहे। मैं प्रभु से यह कामना करता हूं। उस्ताद साहब का सारंगी वादन अत्यंत बहुत ही लोकप्रिय था और वो चाहते थे कि जितना कलाकार हो जितना शिष्य हो हमारे विद्या को ले ग्रहण करे और आगे बढ़े नाम रोशन करे। सारे परिवार को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं अभिराम पाठक झारखंड गया घराना ध्रुपद परंपरा से बिलोंग करता हूं। मैं उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब की पुण्यतिथि पर सभी संगीत परिवार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोइनुद्दीन खान साहब एक ऐसे मूर्धन्य सारंगी वादक थे जो उनकी वादन शैली आज भी मेरे दिलों में गूंजती है। देश का ऐसा कोई मशहूर गायक वादक नहीं होगा जिनके साथ खान साहब का सारंगी वादन न हुआ हो। वे गायन वादन के रूह को समझते थे और क्या सारंगी बजाने का अंदाज था। बहुत ही विद्वान गुणी व्यक्ति थे। उनके नहीं रहने से आज संगीत जगत अधूरा है। अतः हम सभी संगीत परिवार वो जहां हैं वो चैन से रहें यही हमारी कामना है। जय संगीत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं मुश्तबा अजीज नाजा और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फनकार को याद कर रहे हैं जिनका नाम जनाब मोहतरम मरहूम मोइनुद्दीन खान साहब। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरी बड़ी ही खूबसूरत उनके साथ मुलाकात रही है। मैं बताऊँ कि सेमिया घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ही खूबसूरत सारंगी वादक थे जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गज फनकारों के साथ संगत की थी, जैसे भीमसेन जोशी, आमिर खान साहब, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब और इसी तरह के बहुत ही ज़बरदस्त फनकारों के साथ वो संगत किया करते थे। और मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अजीज़ नाज़ा साहब के भी बहुत करीबी दोस्त थे। आज ही के दिन 12 सितंबर को आज से 3 साल पहले वो हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। मैं तहे दिल से उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उन मग़फ़रत करे उन पर और जहां भी हैं उनकी रूह को सुकून दे। बस यही मेरी दुआ है और बस उनको दिल से याद कर रहे हैं और आपसे भी यही गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत रायपर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर।
324 घंटे लगातार तबला बजाने का विश्वविक्रम नाम करे तथा फिलहाल में दुनिया के 47 देशों को इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का एक नया विश्व कीर्तिमान मेरा हुआ है। मैं आदरणीय पद्मभूषण पंडित किशन महाराज जी का शिष्य, आदरणीय उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब बहुत बड़े सामने आए जो कि इंदौर आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट तथा कार्य कुशलता नंबर वन थे। अपने जीवन काल में उन्होंने सिर्फ संगत ही नहीं की तो संगत में उन्होंने आदरणीय पद्मभूषण पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकार से संगत की और स्वतंत्र वादन भी किया है। ऐसे महान कलाकार की घराने की परंपरा को अपने खंडों पर समर्थशाली से चला रहे हैं आदरणीय उस्ताद जज खान साहब जो कि आजकल सितार वादक है। आने वाले 12 सितंबर 2020 को आदरणीय उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब को इस एयरोप को छोड़कर 3 साल ऐसे वक्त में हम सारे कलाकारों की ओर से उन्हें नम्र श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके पोते आदरणीय इजाज खान साहब जो कि बहुत अच्छे सितार वादक है वो अपने इस घराने की परंपरा को सारी दुनिया में आदरणीय उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब जैसे ही प्रकाशमान करेंगे इसी इच्छाओं के साथ और हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय मोइनुद्दीन खान साहब को देते हैं। नमस्कार, मैं मुंबई से सितार वादिका अलका गुजर। इंदौर के प्रख्यात सारंगी वादक गुरु उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब को मैं प्रणाम करती हूँ। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, 12 सितंबर को 3 साल पहले उनका देहांत हुआ था। इतने बड़े कलाकार थे कि सिर्फ भारत में नहीं तो देशों विदेशों में भी उनको बहुत सारे पुरस्कार उनसे सम्मानित किया गया था। स्वरों का फरिश्ता उनको कहा जाता था और ऐसे गुरु मिलना शिष्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। उन खान साहब को बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नमस्ते। मैं बालकिशन सलेचा आकाशवाणी इंदौर दूरदर्शन का तबला आर्टिस्ट हूँ। स्वर्गीय खान साहब मोइनुद्दीन खान साहब जो कि देश के एक सर्वोच्च आर्टिस्ट थे, देश ही नहीं देश विदेश सब दूर उनका नाम था। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने कई बार उनके साथ संगत की है। आज उनकी प्रति पुण्यतिथि है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें उच्च से उच्च स्थान प्रदान करें और मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नागरमल शर्मा जयपुर राजस्थान से। मेरे गुरुजी परम श्रद्धेय उस्ताद मोइनुद्दीन खां की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ तक खां साहब के व्यक्तित्व का प्रश्न है, वो एक सहज सरल एवं पारस की तरह पवित्र सभी धर्मों का आदर करने वाले थे। संगीत के क्षेत्र में उनके जाने से हुई क्षति कभी भी पूरी नहीं की जा सकेगी। सारंगी के पर्याय निर्मल पानी की तरह बहना उनके स्वभाव की फितरत रही है। मेरे लिए उनके शिष्य होना एक गौरव की बात है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मित्रों नमस्कार, मैं उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद क्लारिनेट वादक। मेरे उस्ताद उस्ताद मोइनुद्दीन खान सरंगी नवाज जो कि देश के एक वरिष्ठ
सरंगी नवाज थे, आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। साथ ही मैं आप लोगों को सबको ये भी बतलाना चाहूँगा कि उस्ताद जी का प्रथम सागिरत में रहा और उस्ताद ने मुझे करीब करीब 35 वर्षों तक तालीम दी, जो आज पूरे देश में और प्रदेश में जो क्लार्नेट मेरा बज रहा है, ये सब उनकी ही देन है और उनका ही दिया हुआ है। मेरी पुनः ऊपर वाले से दुआ है कि उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज पांचाल सारंग के शिष्य उज्जैन से। मेरे गुरुजी दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश के टॉप ग्रेड सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब जी 12 सितंबर 2017 को हम सभी को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो गए थे। उनकी याद आज भी सारंगी के स्वरों में सुनाई पड़ती है। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्मों में उस्ताद जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। आदाब, नमस्कार। मैं राइटर कंपोज़र गज़ल सिंगर हसन कमाल आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे उस्ताद मरहूम मोइनुद्दीन खान साहब की बरसी है, उनको याद करना कैसे भूल सकता हूँ मैं। आपकी दुआओं से, आपकी शिक्षा से जो मैंने हासिल किया, उसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम मशहूर है। हाल ही में मेरा एक सलाम जो मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में मैंने पढ़ा है, वो YouTube पे बहुत प्रख्यात हुआ है, प्रचलित हुआ है। एक रिसेंटली मैं एक गज़ल गीत और कव्वाली का एल्बम मेरा रिलीज़ हो रहा है और भगवान राम पर एक भजन मैंने लिखा है, कंपोज़ किया है, वो भी मैं जल्दी रिलीज़ करने जा रहा हूँ। आज मेरी दुआ है उनसे जो मैंने सीखा है, उनकी दुआओं की तुफ़ैल से जो मैंने हासिल किया है, तो मेरी आज दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनकी मगफिरत करे। नमस्कार, मैं शोभा चौधरी इंदौर से शास्त्रीय संगीत की गायिका हूँ, पंचम दिशा संगीत संस्थान की डायरेक्टर हूँ। आज 12 सितंबर उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब की तीसरी पुण्यतिथि है। मैं खान साहब को दिल से प्रणाम करती हूँ। खान साहब देश विदेश के प्रख्यात सारंगी वादक थे। हमारे इंदौर का नाम उन्होंने सारंगी के कारण रोशन किया। जितनी सुरीली उनकी सारंगी थी, उतने ही सादा तबीयत के वो मिलनसार व्यक्ति थे। मैं भी कई बार उनसे मिली हूं। आज पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। नमस्कार। मैं जनाब इब्राहिम खान इंदौर घराने से। आज 12 सितंबर को जनाब मोइनुद्दीन खान साहब की पुण्यतिथि पर मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। हमारे बुजुर्ग जनाब शकुर खान साहब, मजीद खान साहब, मुनीर खान साहब, फैयाज खान साहब बताते थे कि मोइनुद्दीन खान साहब के बारे में बहुत ही अच्छे जाने माने अच्छे सरंगी वादक थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ में, बशीर खान साहब, मुनीर खान साहब, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगत की। मैं उनके लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत
जन्नत फरदोस में अव्वल दर्जा अदा फरमाए। खुदा हाफिज। इसके महान सारंगी वादक श्री मोइनुद्दीन खान साहब, जो कि इंदौर में रेडियो आर्टिस्ट थे, उनकी पुण्यतिथि है। ये वो पुण्य और पाक आत्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे, ऐसा मेरा भाव है। ये पूर्व जन्मों का कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद या कोई कर्म रहा होगा कि मेरे बेटे मनजीत जाधवन को गुरुजी का शिष्य बनने का मौका मिला, और सबसे आखिरी और छोटा शिष्य होने के नाते सबसे आखिरी सबक और आशीर्वाद भी इसी को मिला। ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। ये मनजीत जाधवन खान साहब की सारंगी को नई ऊंचाइयां देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं एजाज खान। मेरा इस वीडियो में आने का यही तात्पर्य है कि मैं सब उस्ताद जी, पंडित जी, जो इस वीडियो में श्रद्धांजलि अर्पित की है मेरे दादाजी को, उस्ताद मरहूम उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब को, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे फोन पे हमें इतना प्यार दिया और हमारे इतना सहकार अपना दिया है कि वो एक एक मिनट का वीडियो उन्होंने बनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ फिर से, और दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप सबकी दुआओं को लगे कि मेरे मरहूम उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, मेरे दादाजी, उनको अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनको आला से आला दर्जा जन्नत में अता फरमाए। दुआ में याद आपका आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम।